बच्चों, आज हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स यानी पूर्णांकों के प्रगुण में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय प्रगुण के बारे में। बच्चों, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने दो इंटीजर ए और बी लिए। यहाँ ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, या माइनस के 2 हो सकती है, या माइनस के 4, या हम कुछ और भी ले सकते हैं। इसी तरह बी के लिए भी हम कोई एक इंटीजर लेंगे और हम क्या करेंगे, इन दोनों इंटीजर्स को एड करेंगे। एड करने के बाद में उसकी जो वैल्यू आएगी, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इनका जो क्रम है यानी यहाँ पर ए पहले है और बी बाद में, तो हम क्या करेंगे, बी वाला जो इंटीजर है उसको पहले रखेंगे और ए वाले इंटीजर को बाद में रखेंगे, और उसके बाद इनको ऐड करेंगे। उसके बाद जो इनका रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, उसको हम देखेंगे क्या वो दोनों आंसर सेम है। अगर वो एक जैसे होते हैं तो हम ये मानेंगे कि एडिशन में यानी योग में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो बच्चों शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ए के लिए कोई भी एक इंटीजर मान लीजिए हमने ले लिया 3, बी के लिए ले लेते हैं हम 4। इन दोनों को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद कितना आया हमारे पास, 7 आया। इसके बाद में हमने क्या किया, इनको इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया, यानी जो डिजिट बाद में थी उसको पहले रखा और जो पहले थी उसको बाद में रखा। तो हमने क्या किया, 4 को पहले रखा और 3 को बाद में, इनका क्रम बदल दिया हमने, आगे वाली पीछे और पीछे वाली आगे। इस तरह इनका क्रम बदलने के बाद भी हमने इनको ऐड किया, तो ऐड करने के बाद भी इनका आंसर कितना आता है, 7 ही सेम ही आता है। जितना 3+4 का आ रहा था उतना ही 4+3 का भी आ रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3+4=4+3, यानी एडिशन के प्रोसेस में अगर हम डिजिट्स को थोड़ी सी उनकी जगह बदल देते हैं, उनका ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, तो भी उनका आंसर जो है वो सेम रहता है, और यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और या योग के लिए क्रम विनिमय प्रगुण। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि योग में क्रम विनिमय प्रगुण होता है। बच्चों इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज हमने ले लिया माइनस का 7 प्लस माइनस, इसके लिए भी हम करके देखते हैं क्या इसके लिए भी हमारी ये प्रोसेस सही होती है। तो हमने इनको ऐड किया और ऐड करने के बाद हमें मिला माइनस के 12। इसके बाद में फिर से हमने इनको जो ऑर्डर था वो चेंज कर दिया, इनका क्रम जो था वो बदल दिया। पीछे वाली डिजिट को हम पहले लेंगे माइनस 5, प्लस इसको हमने पीछे ले लिया माइनस 7। अब भी हम देखेंगे कि इनका जो आंसर था वो सेम ही आया। इससे हमें मालूम हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं माइनस 7 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 7, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहां पर हम कंटिन्यू कर सकते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, माने एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है या योग में क्रम विनिमय प्रगुण होता है। बच्चों अब इसी प्रोसेस को हम करके देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, कि क्या सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, घटाने की क्रिया में क्रम विनिमय प्रगुण होता है। तो इसके लिए भी हम डिजिट ले लेते हैं। मान लीजिए ए के लिए हमने 3 ले लिया माइनस, और बी के लिए हमने 4 ले लिया। तो हमने यहाँ 3 - 4 किया, अब हमारे पास क्या आया, -1। अब हम क्या करेंगे, इनका क्रम चेंज करेंगे, 4 को हम पहले ले लेंगे और 3 को हम बाद में लेंगे। तो अब भी हमारे पास क्या आया, 1। तो आप यहाँ देखते हैं कि 3 - 4 किया तो हमारे पास आया -1, अब हमने किया 4 - 3 तो हमारे पास आया 1, यानी दोनों के जो आंसर थे वो सेम नहीं थे, यानी कि 3 - 4 इज नॉट इक्वल टू, माने बराबर नहीं है 4 - 3 के। तो इससे हमें मालूम होता है कि सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती या घटाने के लिए क्रम विनिमय प्रगुण नहीं होता। इस प्रोसेस को हम किसी दूसरे इंटीजर के साथ करके देखते हैं। जैसे यहाँ हमने लिया -7 माइनस -5, तो ये आ गया आपका -2। इसी तरीके से अब हमने क्या किया, पीछे वाली जो डिजिट थी उसको आगे ले लिया, यानी -5 को पहले ले लिया, -5 - -7 और -7 को बाद में लिया। तो अब हम देखेंगे, अब जो हमारा आंसर आया वो आया 2। तो हम यहाँ देखेंगे कि जब हमने -7 में से -5 को माइनस किया तो आया हमारे पास -2,
और जब हमने माइनस फाइव में से माइनस सेवन को किया तो हमारे पास आ गया टू। यानी दोनों ही प्रोसेस में जो हमारा आंसर है वो सेम नहीं है, अलग अलग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि माइनस सेवन माइनस माइनस फाइव इज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है माइनस फाइव माइनस माइनस सेवन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सबट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, घटाने की क्रिया में क्रम विनिमेय प्रकट नहीं होता। और यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है b माइनस a। अब इसी प्रोसेस को हम करके देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ, यानी अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इंटीजर को। तो हमने a के लिए लिया था थ्री और b के लिए लिया था फोर। तो यहाँ हमने देखा कि थ्री इंटू फोर हो गया आपका ट्वेल्व। अब हमने इनकी जो क्रम था वो बदल दिया, पहले आ गया फोर और बाद में ले लिया थ्री। तो अब ये भी आया आपका ट्वेल्व। तो दोनों ही प्रोसेस में हम देखेंगे कि दोनों का जो आंसर आया वो सेम आया, थ्री इंटू फोर का भी आया और फोर इंटू थ्री का भी आया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि थ्री इंटू फोर इज इक्वल टू फोर इंटू थ्री। यहाँ हम देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन के लिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो फॉलो होती है। आगे अब इसको भी हम दूसरे किसी इंटीजर से करके देखेंगे। जैसे अब हमने यहाँ पे लिया था माइनस सेवन इंटू माइनस फाइव, तो ये आ गया आपका थर्टी फाइव। अब इनका क्रम बदलेंगे, माइनस फाइव को पहले लेंगे इंटू माइनस सेवन, तब भी हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा थर्टी फाइव। तो इस केस में भी जो दोनों का आंसर है वो सेम है। जब हमने डिजिट को इंटरचेंज किया, पहले डिजिट को बाद में लिया, बाद वाली डिजिट को पहले लिया, तो दोनों ही केसेस में जो हमारा आंसर आया वो एक सा आया। तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि माइनस सेवन इंटू माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस फाइव इंटू माइनस सेवन, या ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये हमारे पास, हमें ये प्रूव हो गया कि मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब हम इसको करके देखेंगे डिवीजन के लिए, क्या डिवीजन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है या नहीं। तो यहाँ हमने a के लिए ले लिया थ्री डिवाइडेड बाय b के लिए ले लिया फोर, ये हो गया आपका थ्री अपॉन फोर। इसका आंसर आया थ्री अपॉन फोर। अब हमने इनका क्रम बदला, फोर डिवाइडेड बाय थ्री, तो ये हो गया आपका फोर अपॉन थ्री। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों ही केसेस में जो आंसर है वो अलग अलग है, सेम नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि थ्री डिवाइडेड बाई फोर इज नॉट इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाई थ्री। इसको भी हम किसी एक और एग्जाम्पल से देखेंगे, माइनस सेवन डिवाइडेड बाय माइनस फाइव, तो ये आ गया आपका माइनस सेवन अपॉन माइनस फाइव या सेवन अपॉन फाइव। ठीक, अब हम जो इनका क्रम है उसको बदल देते हैं, माइनस फाइव डिवाइडेड बाय माइनस सेवन, तो यहां पर ये आया आपका फाइव अपॉन सेवन। यानी दोनों केसेस में जो आंसर है वो डिफरेंट है। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि माइनस सेवन डिवाइडेड बाय माइनस फाइव इज नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं है माइनस फाइव डिवाइडेड बाय माइनस सेवन। तो यहां भी हम ये कह सकते हैं, जहां यहां पर हमने देखा कि दोनों केसेस जब सेम नहीं है, तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि ए डिवाइडेड बाय बी इज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है बी डिवाइडेड बाय ए के। यानी कि डिवीजन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमेय प्रकट नहीं होता। तो बच्चों इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि एडिशन के लिए हमने क्या किया था, कोई भी दो इंटीजर लिए थे, दो इंटीजर को लेने के बाद में हमने उनका क्रम बदला, और क्रम बदलने के बाद में हमने देखा कि उनका जो आंसर था वो सेम रहा। यदि सेम आंसर रहता है तो हम ये मानेंगे कि एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है या योग में क्रम विनिमेय प्रकट होता है। सब्ट्रैक्शन के केस में हमने देखा कि जब हमने इनका क्रम बदला, हमने 3 माइनस फोर किया था माइनस वन आ गया, 4 माइनस थ्री किया तो 1 आ गया, तो इसमें जो आंसर था वो सेम नहीं रहा। यानी जब हमने क्रम बदला तो ये दोनों जो आंसर थे वो एक दूसरे के इक्वल नहीं थे। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती या घटाने की क्रिया में क्रम विनिमेय प्रकट नहीं होता।
इसी तरह हम मल्टीप्लाई करने के लिए देखेंगे। मल्टीप्लीकेशन में जब हमने a इंटू b किया, दोनों डिजिट को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। यहाँ पर हमने इनका क्रम बदल दिया तब यहाँ से इनका सेम आया। यानी अगर हम मल्टीप्लाई करने की प्रोसेस में अगर हम दोनों डिजिट को चेंज कर देंगे, इनका जो ऑर्डर है वो चेंज कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे, तभी इनके आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। यानी मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है या गुणा में क्रम विनिमय प्रवण होता है। लेकिन डिवीजन के केस में अगर हम देखें, हमने जब दो डिजिट ली थी और दोनों डिजिट को जब हमने इनके क्रम को बदला तो इनका जो आंसर था वो अलग अलग आया। इससे हमें मालूम हुआ कि डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी भाग की क्रिया में क्रम विनिमय प्रवण नहीं होती।